भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार को अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना चाहिए कि कैसे धान तस्करी, रेत चोरी, शराब बिक्री, नशे का व्यापार जैसे दो नंबरी काम किए जाते हैं। प्रदेश में युवाओं को बर्बाद करने का स्टार्टअप जो शुरू हुआ है, उसकी ट्रेनिंग अपने कार्यकर्ताओं को जरूर कांग्रेस सरकार दे। वहीं अजय चंद्राकर ने पटवारियों की हड़ताल के दौरान एस्मा लगाने को लेकर कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के छोटे कर्मचारियों का सिर्फ और सिर्फ शोषण कर रही है। प्रशिक्षण बिल्कुल देना चाहिए और जो स्टार्टअप शुरू किए हैं उनके बारे में वृहद जानकारी देना चाहिए कि दो नंबर में शराब कैसे बेची जाती है, रेती चोरी कैसे होती है, नशे का व्यापार कैसे होता है, धान की तस्करी कैसे होती है, कोयले में लेवी कैसे वसूल की जाती है, बांध के पानी को बहा के बेचा कैसे जाता है, उसकी चाबी को कौन रखता था। ये नए जो स्टार्टअप आए हैं छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण मिलना आवश्यक है, जरूरी है। ऐसा है, भाग का जो सीखा होता है ना, बार बार नहीं टूटता। मैं स्वीकार कर लेता हूं कि 15 साल में हो सकता है कि हमसे नाराजगी रही होगी, तो इसलिए मैं कहता हूं वो जीते नहीं है हमारे। पटवारी, दैनिक वेतन भोगी, आंगनबाड़ी, मितानिन, ये छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे लोग हैं जो छोटे छोटे पदों में काम करते हैं, उनके लिए एस्मा है, उनके लिए सब चीज़ है। गर्भवती महिलाएं बिलख रही हैं, कोई अनुकंपा नियुक्ति के लिए सर मुड़ा रही हैं, तो ये वास्तव में छत्तीसगढ़ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिसको वो तथाकथित रूप से छत्तीसगढ़िया बोलते हैं ना वो, और उनके प्रति कोई संवेदना नहीं। और जो बाहर से छत्तीसगढ़ को लूटने के लिए गिरोह लाए उनके प्रति पूरी संवेदना है। ईडी का बयान किसके पक्ष में, किसके लिए जारी करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आलोचना किनके लिए करते हैं, जो कहीं ना कहीं से लूट में भागीदार हैं उनके लिए वकील आता है, अभिषेक मनु सिंघवी, चिदंबरम साहब, कपिल सिब्बल साहब, और इनके लिए एस्मा लगाया जाता है।